शिव को क्यों मारूंगी? तो डॉक्टर शिव की दवाई के बदले आप ये चूहे मारने वाली दवाई यहाँ ले आई है इन्हें देने? देखिए कृपा रही वरना अनर्थ हो जाता। पागल हो गई हो क्या शक्ति? मैं शिव को क्यों मारूंगी? हे भोलेनाथ, आंटी हम ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आप डॉक्टर शिव को मारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन याद है कल आपने वो चूहे मारने वाली दवाई ऑर्डर की थी और साथ में डॉक्टर शिव की दवाइयां भी तो आई थी। हम आपको कितना कह रहे थे कि दवाइयां साथ में मत रखिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आप हमारी बात सुनी नहीं रही थी। हमारी कही हुई बात तो यहाँ पे कोई मानता ही नहीं है, सबको लगता है कि हम ही गलत बोल रहे हैं। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ था आंटी, हुआ था, लेकिन लगता है कि आप भूल गए। क्या करें, इस घर में तो हमारी बात पे कोई विश्वास करता ही नहीं है। क्यों करेगा, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। तो क्या आप डॉक्टर शिव को मारना चाहती थी ये दवाई देखकर? कंफ्यूजन हो गया था। वही तो कह रहे हैं हम। तो मंदिरा आंटी आप कितना काम संभालती हैं, घर संभालती हैं, ऑफिस संभालती हैं, हॉस्पिटल संभालती हैं, फार्मा कंपनी संभालती हैं, कितना कुछ। जाने ये नाजुक कंधे कितना बोझ उठाएंगे। आपके धक्के के बिना ना इस घर की गाड़ी के पहिए आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन अब ना पहिए में जाम लग गया है। लगता है इतना स्ट्रेस ले लेके ना आपकी तबीयत अफेक्ट हो रही है। हमें तो लगता है आपके दिमाग पे भी अफेक्ट हो रहा है। सोचिए आज इस कंफ्यूजन की वजह से आप अपने फेवरेट बच्चे की ऊपर की टिकट कटवाते थी। लोग क्या कहते कि एक माँ ने ली बच्चे की जान। क्या बकवास कर रही हूँ? मैंने कहा ना कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ हाँ हम भी तो यही कह रहे हैं। आपने जानबूझ के तोड़ना कुछ किया। हम कह रहे हैं ना कि इंसान गलती का पुतला होता है, लेकिन आज इस कंफ्यूजन की वजह से अगर डॉक्टर शिव को कुछ हो जाता तो? क्या बात को घुमा रही हो, सीधे पॉइंट पे आओ ना। हम ये कहना चाहते हैं मंदिरा आंटी कि आप इतने बड़े बड़े इतने इम्पोर्टेंट काम संभालती हैं, तो ये जो छोटा सा काम है डॉक्टर शिव को दवाई देने का, आज से उसकी जिम्मेदारी हमारी। अच्छा हम तुम्हें ये काम क्यों देंगे? हमारे पूरे परिवार में कोई भी तुम्हें विश्वास नहीं कर सकता। अगर तुमने शिव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इससे बस क्या होगा?
हम समझाते हैं, चोर को ही चौकीदार बना दो, चोरी होगी ही नहीं। देखिए, अगर डॉक्टर शिव की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर होगी तो अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो इल्जाम किस पर लगेगा? हम पर ना। तो ऐसे में तो हम डबल केयर करेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे, है ना? हाँ, पर शक्ति, चाची मुझे काफी टाइम से दवाई दे रही है। डॉक्टर शिव, आप इस मैटर में कुछ मत बोलिए प्लीज। क्यों ना बोलूं? मैटर मेरा है, मैं ही ना बोलूं। डॉक्टर शिव, शादी के बाद ना पति का हर मैटर पत्नी का हो जाता है। हम आपकी पत्नी हैं डॉक्टर शिव, और आपका ख्याल रखना, आपको दवाई देना हमारा कर्तव्य है। तो आज से हम ही ये करेंगे। क्यों, तुम क्यों करोगे? तुम्हें चार दिन यहाँ पे आए हुए हैं और तुम दवाई दोगी? तुम्हें आता क्या है सिवाय चबड़ चबड़ करने के या हमारी बेइज्जती करने के? तुम दवाई नहीं दोगे। देखो, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलने दो। हमारे शिव की तबीयत बिगड़नी नहीं चाहिए। आज तक सब कुछ मंदिरा ने संभाला है, आगे भी वही संभाल लेगी। तुम रहने दो शक्ति। वो लगता है कि हमें आप सबको ना लॉ का पाठ फिर से पढ़ाना होगा। डॉक्टर नहीं तो लॉयर तो हम बन ही जाएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ, डॉक्टर शिव की हर चीज पे पहला हमारा अधिकार है। उनकी केयर करना भी हमारा अधिकार है, और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हम अपने पति का ख्याल रखना चाहते हैं तो हम रखेंगे। स्त्री शक्ति होती है, और अगर वो कोई बात ठान लेना तो फिर वो करके दिखाती है। हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है, कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, शामेषु धात्री, सत्कर्म नारी, कुलधारा पत्नी। कार्येषु दासी मतलब पत्नी को पति की सेवा करना चाहिए। कर्णेषु मंत्री मतलब एक मंत्री की तरह अपने पति को हर कार्य में सलाह देनी चाहिए। भोजेषु माता मतलब एक माँ की तरह अपने पति को भोजन कराना चाहिए। शयनेषु रंभा मतलब एक अप्सरा की तरह अपने पति को रिझा कर रखना चाहिए। रूपेषु लक्ष्मी मतलब माँ लक्ष्मी की तरह सुंदर और सुशील होनी चाहिए। शामेषु धरती मतलब धरती की तरह शांत और क्षमा करने वाली होनी चाहिए। तो अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो एक आइडियल वाइफ कैसे कहलाएंगे? अच्छा अच्छा, बस 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 बस, मेरी माँ बहुत प्रवचन हो गया। आज से दवाई मुझे तुम ही दोगी, बस खुश। Thank you.
डॉक्टर साहब रुकिए। अब क्या हुआ? हमारी दवाई का क्या? तुम्हें कौन सी दवाई चाहिए? भोलेनाथ, हमने अपनी सुहाग की निशानी तो लगाना शुरू कर दी है, अपने गले पर, अपनी मांग में। उसकी शक्ति तो हमने किसी तरह संजो ली है, पर अपनी पति की रक्षा करने की शक्ति ये हमें आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। बम बम भोले, ये विश्वास आपने हम पर दिखाया कि हम अपने पति की ढाल बन सकते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए हथियार भी, और इस विश्वास को हम पूरा करके दिखाएंगे। और ये वादा करते हैं कि दुश्मन चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन हम डॉक्टर शिव पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उन्हें हम जोड़ कर रहेंगे, पर जो मंगलसूत्र डॉक्टर शिव ने तोड़ा है, हम वो खुद उनसे जुड़वाएंगे। और वादा करते हैं कि सबके सामने पूरे मान सम्मान के साथ वो हमें खुद मंगलसूत्र पहनाएंगे। जीत होगी, लेकिन सिर्फ सच्चाई की, प्रेम की। शक्ति, प्लीज भोलेनाथ जी को अपने भाषण से बोर करना बंद करो, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा होने दूंगी नहीं। तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। जो डायलॉग है थोड़ा सुना सुनाया नहीं है? अभी कुछ टाइम पहले आपने कहा था ना कि मैं तुम्हें कोई चैलेंज नहीं जीतने दूंगी, पर हमारी जीत का सिलसिला तो शुरू हो गया है मंदिर आंटी, भूल गई? चलिए आपको याद दिलाते हैं, आपका पहला चैलेंज कि आप कार्तिक को इस घर में नहीं रहने देंगी। मैं चैलेंज करती हूँ कि कल कार्तिक को इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी। कि आप डॉक्टर शिव को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगी कि वो कार्तिक को रोकने का सोच सके। पर क्या हुआ? कार्तिक आज इस घर में है और हमेशा रहेगा, पर आपको पता है क्या नहीं रहेगा? आपका अहंकार। चैलेंज नंबर टू कि डॉक्टर शिव आपके हाथ का खाना उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। आज रात ही शिव अपनी उंगलियां चाट चाट कर मेरे बनाया हुआ खाना खाएगा। लेकिन डॉक्टर शिव ने आपके हाथ के खाने को तो चखा तक नहीं, उल्टा अपमान का घूंट आपको पीना पड़ा।
बिल तो हमारे नाम पर फट गया, जो आपके हाथ का बेस्वाद खाना हमें खाना पड़ा। और हमारी सबसे बड़ी जीत, डॉक्टर शिव की दवाई की जिम्मेदारी। डॉक्टर शिव ने खुद हमें अपनी दवाई की जिम्मेदारी दी है। अच्छा अच्छा, बस 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 बस, आज से दवाई मुझे तुम ही दोगी, बस खुश। चैलेंज में आपकी हार हुई है। कहीं भोलेनाथ का ये कोई इशारा तो नहीं कि आप हारने की आदत डाल लें मंदिरा आंटी? ज्यादा उड़ो मत, समझी शक्ति, क्योंकि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और बाजी को कैसे पलटते हैं ना, कि मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। हवाओं का रुख बदल गया मंदिर आंटी, और आपको अब कोई बाजी पलटने नहीं देंगे हम। डॉक्टर शिव और उनके पूरे परिवार को बहुत जल्द हम आपके चंगुल और आपके इस झूठे प्यार से आजाद करवा कर रहेंगे। आपका पालन भोलेनाथ की भक्त से पड़ा है, और शक्ति के साथ भोलेनाथ की भक्ति भी है और उनकी शक्ति भी। और हां, अगर हमारी गौरी दी की मौत में आपका जरा सा भी हाथ निकला ना, तो हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं कि हम खुद आपको मने करने का घाट भिजवा कर रहेंगे। इतने सारे स्टूडेंट्स के पेपर साइन करने हैं, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, प्लीज प्लीज कार्तिक को हॉस्टल मत भेजिए डॉक्टर शिव। कार्तिक, डॉक्टर शिव की हर चीज पे पहला हमारा अधिकार है, उनकी केयर करना भी हमारा अधिकार है, इसलिए डॉक्टर शिव को दवाई देने का आज से उसकी जिम्मेदारी हमारी। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी लाइफ कितनी बदल गई है शक्ति, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है तुम पर, घर का काम, खाना बनाना, कार्तिक की जिम्मेदारी, और अब तुमने मेरी दवाइयों की भी जिम्मेदारी ले ली है। इन सब कामों में कहीं तुम अपना डॉक्टर बनने का सपना तो नहीं भूल गई? लेक्चर का भी टाइम हो गया, पता नहीं कॉलेज टाइम पर आ भी पाई है या नहीं, चेक करके आता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शिव। गुड मॉर्निंग।
एहसास की जो जुबान।